हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल माई नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वॉचिंग द स्टडी जोन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर द मून सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द थर्ड स्टैंडा एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दिस सेंटेंसेज द मून इज हम्बल एंड ग्लैडली द स्काई विद द स्टार्स मून जो है वो हम्बल है और आकाश को तारों के साथ शेयर करता है बहुत ही नम्रता से तो ये जो है वो बिल्कुल सही है तो फर्स्ट हो जाएगा ट्रू सेकेंड है द मून इज वेरी प्राउड चांद जो है वो बहुत घमंड है उसमें बहुत घमंडी है तो ये हो जाएगा फॉल्स सेकेंड है फॉल्स दो द मून साइंस ब्यूटीफुली सी इज़ नॉट डिग्निफाइड दो द मून इज दो द मून साइंस ब्यूटीफुली सी इज़ नॉट डिग्निफाइड कि चांद जो है वो बहुत ही सुंदर से चमकती है लेकिन फिर भी उसको अभिमान नहीं है कि वो सुंदर है तो ये बिल्कुल सही है तो थर्ट हो जाएगा ट्रू फोर्थ है द मून इज केयरफुल एंड दज नॉट वॉन्ट टू डिमिनिश द लाइट ऑफ द स्टार्स तो मून जो है वो इस बात में बहुत ही सावधानी बरतती है कि उसके स्टार्स का जो लाइट है वो उसके चमक के सामने फीका ना पड़ जाए तो यह भी बिल्कुल सही है फोर्थ हो जाएगा ट्रू नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चन फर्स्ट है हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून इन द फर्स्ट स्टांजर राइट इट write in your own words in the first stanza the poet described the moon as a beautiful lady who was born a queen whom we have often seen and she is fair bright and beautiful the first stanza may poet ne चांद को एक बहुत ही सुंदर लेडी के रूप में डिस्क्राइब किया है जो कि रानी ही पैदा हुई थी जिसे हम लोग हमेशा देखते हैं और वो बहुत ही सुंदर है चमकीली है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है Second question In the second stanza, the poet says that the moon lives in a regal state. Which line in the first stanza supports this statement? So, the answer is the line and she was born a queen supports this statement. तो सेकेंड स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि मून जो है वो एक बहुत ही शाही अंदाज में रहता है तो फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा वो एक लाइन कौन सा वो एक स्टेट कौन सा वो एक लाइन है जो कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है तो वो लाइन है एंड सी वॉज बॉर्न अ क्वीन और वो एक रानी ही पैदा हुई थी तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ये थर्ड है हु और वॉट आर मून्स वॉट आर द मून्स अटेंडेंट्स कौन और क्या चांद के दरबारी है तो आंसर हो जाएगा स्टार्स आर द मून्स अटेंडेंट्स तारे जो हैं वो चांद के दरबारी हैं नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स लास्ट स्टैंजा का मीनिंग अपने शब्दों में बताएं तो आंसर हो जाएगा एट नाइट व्हेन आर कर्टेंस आर नॉट ड्रॉन कंप्लीटली We can see the moon through the gap. The moon seems to be wishing us good night. जब रात में हमारे जो पर्दे होते हैं जब हम लोग उसको पूरी टाइट नहीं गिराते हैं और उसके गैप से जब हम लोग बाहर देखते हैं तो हमें चाँद दिखाई देता है और ऐसा लगता है ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि मून जो है हमारे पर्दे से झांककर हमें गुड नाइट विश कर रहा है। If you like this video then give it a big fat thumbs up subscribe to my channel and also press the bell icon so that you get notified whenever i upload a video thanks for watching jai hind jai bharat